हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक ऐसी रेसिपी जिसे हम स्टार्टर्स के रूप में बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं स्टार्टर्स की वो कौन सी रेसिपी है जो मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है चाइनीज वेज मंचूरियन। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा पत्ता गोभी, दो तीन पत्ते वाले प्याज, एक बड़ी वाली शिमला मिर्च, एक छोटी गाजर और लहसुन अदरक कुटी हुई या फिर थोड़ा दरदरा ग्राइंडर में पीस लें। इसमें हम पत्ता गोभी में थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। बहुत इजी तरीके से, बस 3 चम्मच। अगर हमें थोड़ी सी और लगे जरूरत तो हम 1 चम्मच और मिक्स कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे जिससे कि मंचूरियन बॉल आसानी से बन जाए। मंचूरियन बॉल फ्राई करने के लिए तेल की जरूरत पड़ेगी और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मुझे थोड़ी सी गीला लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ी सी और कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और इसको अच्छे से मिला के इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब इसके गोल गोल बॉल बनाएंगे। तेल हमारी गर्म हो गई है। बस याद रखें, इसे ज्यादा नहीं दबाना है, गोल गोल करके। ज्यादा हमें पलटना नहीं है। धीरे धीरे हल्के हाथों से सिर्फ 3 चम्मच। ये हमारी थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है और एक एक करके इसे निकालते जाना है। इस तरह गोल गोल मंचूरियन बॉल हमें बना लेना है। अब हम मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे।
इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी तेल। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मंचूरियन बॉल ऑलरेडी तेल में ही फ्राई हुआ है। इसके बाद हम इसे इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट जो कि दरदरा कूटा हुआ है। एक से डेढ़ चम्मच डालेंगे। हम चाहे तो और बढ़ा सकते हैं जैसा हम तीखा खाते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसमें हमने आधा छोटी चम्मच अजीनोमोटो लिया है। इसमें हम एक चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी चिली सॉस डालेंगे एक चम्मच जितना। अब हम इसमें हमें जितना ग्रेवी गाढ़ा रखनी है उस हिसाब से हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं रखनी है इसलिए हम इसमें सिर्फ एक चम्मच मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे। दो चम्मच जितना और हम इसे पेस्ट बनाएंगे। हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज पत्ते वाली, इसमें से थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ी सी हम बचा के रखेंगे जो कि लास्ट में गार्निशिंग करने का काम आएगा। गैस मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। एक मिनट तक हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम ये पेस्ट डालेंगे और ये जो हमारा मंचूरियन बॉल बनाकर जो नीचे का पेस्ट बच गया है उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसमें यूज कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी हमें पानी चाहिए होगी एक कप जितना। अब हम इसमें पेस्ट को मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे। हमें जितना ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। हम इसको इसमें डाल दे रहे हैं और इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। थोड़ी सी और हमें पानी चाहिए, इसके लिए हम इसमें आधा कटोरी पानी वापस डालेंगे। जैसे ही थोड़ा थिकनेस आ जाए उसके बाद हम इसमें मंचूरियन बॉल मिक्स कर लेंगे। बहुत सुंदर लग रही है।
इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी मंचूरियन की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ग्रेवी नहीं रखनी है तो इसमें थोड़ी सी कम पानी डालेंगे जिससे कि ग्रेवी कम हो जाए और ड्राई ही हम खा सके। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेवी मंचूरियन बनाया है इसलिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो हमने कच्ची हमने जो हरी पत्ती बचा के रखा था उसे गार्निशिंग कर देंगे और हमारा ग्रेवी मंचूरियन तैयार हो गया। अब हम इसे अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ सर्व करेंगे। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट की तरह ग्रेवी मंचूरियन तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और हम इसे सर्व करेंगे गरम गरम। इसे हम स्टार्टर के रूप में भी खाते हैं और बच्चों के घर में बर्थडे पार्टी हो या कोई और भी पार्टी हो तो हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत बच्चों को बहुत पसंद आती है, हम बड़ों को भी पसंद आती है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी और इसके स्वाद बिल्कुल इंडियन है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही इजी और सिंपल रेसिपी लाती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं आप सबसे पहले देख पाएं। और प्लीज़ मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसे ठीक करूंगी। और देखिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।